तो दोस्तों आज आपको बताऊंगा 10,000 के अंदर कुछ बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आपको 4GB रैम वाला स्मार्टफोन देखने को मिलेगा 10,000 बजट के अंदर। और आपको एक स्मार्टफोन लेना चाहिए तो जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि फ्रेंड इस वीडियो में आपको बताऊंगा 10,000 के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में और कौन सा मोबाइल यानी कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट है आपको बताऊंगा वीडियो पे। तो जरूर वीडियो को लास्ट तक देखना फ्रेंड। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या स्मार्टफोन देखने को मिलेगा 10,000 के अंडर प्राइस में। तो चलिए जान लेते हैं। तो फ्रेंड पहले बात करूँ रेडमी नोट 8 के बारे में, जो कि 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ एंड नोज डिस्प्ले के साथ आपको मिलेगा, जिसके प्राइस है 9,999 रुपीज़। और ऑल स्मार्टफोन आपको मिलेगा अमेजोन पे, एंड अमेजोन पे अवेलेबल है, अमेजोन पे 999 रुपीज़ में आपको मिलेगा। और इसका जो ऑफर अभी चल रहा है तो जरूर चेक करना, लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, जरूर लिंक को चेक करना। और फ्रेंड इसका जो स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स की बात करूँ तो 4GB रैम के साथ आपको मिलेगा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग वाला फीचर्स देखने को मिलेगा, 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा के साथ, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 एंड 18W फास्ट चार्जिंग के साथ आपको मिलेगा रेडमी नोट 8 स्मार्टफोन के साथ, जिसे आपको बजट के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग फीचर्स देखने को मिलेगा। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्टिंग के साथ, कैमरा सेटअप फॉर एनी मूवमेंट के साथ आपको मिलेगा 4 कैमरा एंड 48 मेगापिक्सल ऑल क्वाड कैमरा एरे एंड 120° अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ, 2 सेमी माइक्रो लेंस एंड 13 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा के साथ आपको मिलेगा बहुत ही ज़्यादा नाइट मोड, बैटरी मोड एंड मैक्रो मोड, जिससे आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिलेगा, डिस्प्ले एंड 4000mAh की बैटरी देखने को मिलेगा। डिजाइन की बात करते हैं औसत औसम डिजाइन के साथ आपको मिलेगा एंड कलर ब्लू साइज एंड 64GB 16 सेमी 6.3 इंच स्क्रीन साइज, डिस्प्ले विथ 2.5D ग्लास डिजाइन के साथ, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ, जो कि 11nm एक्रियस कपल्ड विथ MIUI 10 सिस्टम लेवल ऑफ के साथ आपको 14 मेगापिक्सल एंड 13 मेगापिक्सल की फ्रंट कैमरा के साथ, पोर्ट्रेट मोड के साथ आपको मिलेगा एंड IPS LCD मल्टी टच कैपेसिटी टच स्क्रीन साथ के, और 403 ppi डेंसिटी एंड 90:90.5 aspect ratio 2.5D क्रैप ग्लास एंड मेमोरी की बात करूँ तो 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ, 512GB एक्सपेंडेबल मेमोरी। और सिम साइज की बात करूँ तो नैनो प्लस नैनो डबल स्टैंड बाई 4G एंड्रॉयड पी वर्सन 9 यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम विथ 2.0GHz क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, 4000mAh की बैटरी एंड 18W की फास्ट चार्जिंग के साथ आपको मिलेगा। तो फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, तो जरूर लिंक को चेक करें इस स्मार्टफोन को ऑर्डर करना है। तो चलिए जान लेते हैं सेकेंड नंबर पर कौन है। और फ्रेंड सेकेंड नंबर पर है Redmi 6 Pro Gold, जो कि 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ आपको मिलेगा। और इसके साथ आपको बहुत कुछ फीचर्स देखने को मिलेगा, जो कि 9,489 रुपीज़ में आपको मिलेगा इस स्मार्टफोन, जो कि 9,499 रुपीज़, जो कि 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ। और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा, जो डबल कैमरा 2D बैटरी बैकअप के साथ, 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल ऑल डबल कैमरा के साथ आपको मिलेगा एंड आपको सोनी एंड सैमसंग सेंसर भी मिलेगा कैमरा के साथ, 5 मेगापिक्सल सेकेंडरी कैमरा सैमसंग सेंसर एंड 12 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा सोनी IMX486 1.25 UM pixel के साथ, ऑल डबल कैमरा, ऑल प्रोटीन मोड एंड US क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 के साथ आपको मिलेगा ऑफर, इनक्रेडिबल एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस विथ क्रॉस लैक 3 एक्सपीरियंस के साथ आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी मिलेगा एंड फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट सेंसर एंड 2.2+1 कार्ड स्लॉट, 4000mAh की बैटरी एंड कैमरा की बात को तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग वाला कैमरा तो देखने को मिलेगा, लेकिन पिक्सल थोड़ा कम है, कैमरा क्वालिटी थोड़ा कम है। तो जान लेते हैं इसके फुल स्पेसिफिकेशन क्या है। 14.833 सेंटीमीटर्स यानी कि 5.84 इंची कैपेसिटी टच स्क्रीन विथ 2020 के साथ, 432 ppi डेंसिटी के साथ एंड 256GB डिटेक्टर स्लॉट के साथ आपको मिलेगा, एक्सपेंडेबल मेमोरी के साथ आपको मिलेगा, 64GB इंटरनल मेमोरी और 4GB रैम के साथ आपको मिलेगा। एंड इसका जो स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो आपको स्नैपड्रैगन 625 स्नैपड्रैगन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन देखने को मिलेगा एंड 2GHz क्वाड कोर प्रोसेसर, स्पीड एड्रेनो 560 GPU ऑक्टा कोर प्रोसेसर एंड 4000mAh की बैटरी, जो कि ब्लूटूथ वर्जन 4.2 एंड 5V 2A चार्जिंग, कलर टेम्परेचर ऑटो एडजस्टमेंट। और इसके साथ आपको मिलेगा फ्रेंड 6 मंथ की मैन्युफैक्चर वारंटी एंड बॉक्स ऑल्सो इंक्लूडेड एडाप्टर रिसीवेबल वारंटी कार्ड यूजर गाइड एंड सिम इंसर्शन टूल एंड बैक कवर।
तो फ्रेंड चलिए नेक्स्ट स्मार्टफोन पे। तो फिर थर्ड नंबर पे आती है हॉनर 8X, जो कि 10,000 में आपको मिलेगा 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ, 20MP प्लस 2MP डबल रियर कैमरा के साथ, 16MP फ्रंट कैमरा के साथ, 16.51 सेंटीमीटर, 6.5 इंची स्क्रीन साइज, 2340x1080 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ, TUV रिमोट सर्टिफिकेट, EIKR मोड के साथ आपको मिलेगा, मेमोरी स्टोरेज एंड सिम 4GB 64GB इंटरनल मेमोरी, एक्सपेंडेबल अप टू 400GB डिटेक्टेड मेमोरी कार्ड स्लोट, डबल सिम डबल स्टैंडर्ड बाई 4G एंड इसका जो एंड्रॉइड ओरियो वर्जन 8.1 EMUI वर्जन 8.2 अपग्रेड टू एंड्रॉइड 9 एंड EMUI 9.1 ऑपरेटिंग सिस्टम विथ 2.2 GHz स्क्रीन 710 ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ, GPU टर्बो 3.0 एंड 3750 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी के साथ, ग्लास बॉडी विद विजुअल ग्रेटिंग इफेक्ट के साथ आपको मिलेगा एंड इसका जो मैन्युफैक्चर ओएस एंड्रॉइड ओरियो वर्जन 8.1 प्लस EMUI वर्जन 8.2 रैम 4GB एंड मैन्युफैक्चर हुआई प्रोडक्ट डेमोनस्ट्रेशन आइटम मॉडल JSNL42 ब्लूटूथ वर्जन आपको मिलेगा एंड वाईफाई हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी 4G LTE FDD स्पेशल फीचर्स डबल सिम एंड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी 91:2 स्क्रीन टू बॉडी रेटियो फ्रंट फैक्चर टच स्क्रीन फोन। तो फ्रेंड आपको ऑर्डर स्मार्टफोन बाय करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप रेडमी नोट 8 ले लो, क्योंकि इसमें आपको 665 की स्नैपड्रैगन प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा एंड 48MP की कैमरा देखने को मिलेगा आपको एंड बजट भी 9999 रुपीज़ में आपको मिलेगा और कैमरा फीचर्स आपको अच्छा मिलेगा, बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिलेगा एंड इसका जो प्रोसेसर है बहुत ही कमाल का प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। डिजाइन की बात करो तो डिजाइन भी अच्छा मिलेगा, रिकमेंड करूँगा फ्रेंड आप रेडमी नोट 8 ले लो इतना बजट में, यानी कि 10,000 आपका बजट है तो आप जरूर रेडमी नोट 8 स्मार्टफोन को खरीद लो। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।